hello dear students, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy at this beautiful platform cerebellum academy hope audio video everything is okay so we are starting this beautiful session with this beautiful lines yes we are starting one beautiful era amazing era new era of the anatomy at this amazing platform cerebellum academy yes always remember Koi tumse कोई तुमसे पूछे कौन है एनाटॉमी तो कह देना कोई खास नहीं एक दोस्त है कच्चा पक्का सा एक झूठ है आधा सच्चा सा हसने का तो कभी रोने का बस एक बहाना अच्छा सा एमबीबीएस का ऐसा साथी है जो दूर नहीं और पास नहीं कोई तुमसे पूछे कौन है एनाटॉमी तो कह देना कोई खास नहीं तो कह देना कोई खास नहीं हेलो डियर फ्रेंड्स अगेन प्लीज कॉल योर ऑल द फ्रेंड्स एक बहुत ही स्पेशल सा एरा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी का एक नया युग शुरू करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन बॉक्स एवरीथिंग इज ओके यस सो हियर आई कैन सी द मोहम्मद गुड इवनिंग बेटा अभिषेक गुड इवनिंग गौतम बागरी गुड गुड इवनिंग यस योगी राम राम बेटा यस अभिषेक होप ऑडियो एवरीथिंग इज ओके फाइन सो Can we start? Okay, so without delay, we are going to start this our beautiful session, this amazing session. Okay, so let's start this session. This is our three-dimensional orientation of the anatomy. Many first MBBS students of the India as well as abroad they cross their upper limb portion. So here we are going to discuss with the proper orientation of the anatomy. Okay, so let's start. Let's start. Yes, Shekhar, good evening please make this session very very interactive very very interesting yes any kind of the doubt you can drop the message at the chat box so let's start the upper limb with the proper three dimensional orientation try to understand with the help of this jarvis what is the problem with the anatomy we are not getting the proper orientation yes just like your jarvis just like your iron man we are going to rotate this anatomy in each and every aspect you will learn the muscles

ऊपर है इसलिए सुपीरियर बोलेंगे और ये मसल आ रही है, रही है है फिर तिरछी जा इसलिए बोलेंगे थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी एग्री एवरीबॉडी ओके यस यस आवर एवरी क्लास विल बी यूजफुल एंड आल्सो आई वांट टू रिक्वेस्ट अगर ये सेशन आपको धमाकेदार लगे जोरदार लगे तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कीजिए दिस सेशन इज स्पेशली फॉर द फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट्स बट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑल दीट पीजी फॉर द एंड द प्लै सो प्लीज ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप विच इज शेयर एट द यू लिंक बाय अवर टीम सो नाउ यू कैन सी जब ये मसल कॉन्टेक्ट करेगी तो ये इस तरीके से मुड़ेगी इस तरीके से मसल को आई बॉल को खींचेगी जब ये आई बॉल को खींचेगी तो आई बॉल कैसा मुड़ेगा सर वो मसल ऊपर से आ रही थी और इस तरीके से खींच रही थी तो हमारा आईबॉल इमेजिनेशन करो बेटा यस हमारा आईबॉल कुछ इस तरीके से रोटेट होगा द ट्वेल्व ओ क्लॉक पोजिशन ऑफ द प्यूपिल अपर मार्जिन इट विल रोटेट टूवर्ड्स द नोज इसको हम कहते हैं इनटोर्शन अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक ये थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन हम नहीं लेंगे बट अ सुपीरियर ऑब्लिक की एक्टिविटी समझ में नहीं आने वाली विच क्रिएट्स लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द आई बॉल स्टडी जिधर मसल उधर मूवमेंट ये मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है वेयर मसल गोज देयर मूवमेंट फ्लोज बिकॉज दिस मसल इज क्रॉसिंग फ्रॉम द दब एंड कॉन्ट्रेक्टिंग सो इट विल पुल द आई बॉल मीडियलिंग येस दिस इज योर थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन अब वो टाइम चला गया जब पेन और पेपर से पूरी एनाटमी होती थी बेटा अब हमको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा यस पेन एंड पेपर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट दिस थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन यू कैन नॉट स्केप दिस पार्ट सो लेट्स बिगिन द ब्यूटिफुल एरा ऑफ द एनाटॉमी द एनाटॉमी थ्री सिक्सटी डिग्री द थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन विथ श्रीकांत वर्मा सो होल आर वेरी वेल नाइसलीमेंबर बेटा जिसको जो कहना है कहने दो अपना क्या जाता है जिसको जो कहना है कहने दो अपना क्या जाता है यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है आपका वक्त आ गया है इस एनाटॉमी को समझने का जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था हम अपने बॉडी की छोटी से छोटी मसल छोटी से छोटी बोन यस यू नो द स्मॉलेस्ट बोन स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज द स्टेपिस तो हम स्मोलेस्ट बोन स्टेपिस इस को भी थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन से दे देखेंगे घुमा घुमा करके सारे तरफ से इसको ऑब्जर्व करेंगे और इसके एक एक स्ट्रक्चर को समझेंगे और ये जो एनाटोमी है उसको हम एक केक वॉक की तरह बना देंगे एक मीठे से प्यारे से आइसक्रीम की तरह जो जुबान पर रखते ही पिघल जाती है ऐसा आपको एहसास होगा सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल सेशन विद दिस थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन सो मेनी मेनी न्यू स्टेन्ट्स ज्वाइन यस ललित गुड इवनिंग बेटा रितेश गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो स्टार्ट करते बेटा तो आज का हमारा सेशन है अपर अपरलिंग हाउ टू मेक दिस ईजी थ्री ओरिएंटेशन ओनली बिकॉज डिटेल पार्ट वी सीन अब हमको इसको समझना है कैसे ये मसल ओरिजिन लेती है इंसर्शन लेती है नो no सप्लाई होती है और एक्शन होती है कोई भी मसल पढ़ो तो चार चीजें कोई भी मसल पढ़ो तो चार चीजें बोलो बेटा चार चीजें कौन कौन सी है सर ओ आई एन ए ओइना ओरिजिन इंसर्शन नो सप्लाई एक्शन चलो रिपीट करो कोई भी मसल अगर पढ़नी है ललित ललित रितेश यस yes, एसी विशाल रिपीट करो बेटर रिपीट करो यस yes, एनाटॉमी का एक जबरदस्त सिस्टम बनाते हैं विशाल बहुत बढ़िया सा सिस्टम बनाते हैं और याद रखना कि ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी हम समझी के लिए और हम बोलेंगे कि झिंगूर सा एग्जाम है ओके okay, एसको -E हम क्रैक कर देंगे गेटिंग द पॉइंट ओके तो अब हम इसमें देखने जा रहे हैं कि कोई भी मसल पढ़ना तो चार चीजें फोर थिंग्स यू हैव टू स्टडी ओरिजिन इंसर्शन नो सप्लाई एंड एक्शन गॉट द पॉइंट So let's start how to study the anatomy, upper limb portion especially. Sir, first pectoral reason, area in front of the chest. Next better, back region, area behind the chest. Next part, shoulder region, yes, scapular region. Then we will learn the muscles in between the shoulder and the elbow. Arm. Then from the elbow up to the wrist, forearm and after the wrist, hand. एग्री एवरीबडी गेटिंग कमेंट कमेंट करते चलो जाओ ये सुभाष ओ आई एन एस आईजिश एज वेल एज हिंदी ओरिजिन इंस्ट्रक्शन नो सप्लाई इंडेक्शन हाउ यूल द अपर लिंक चलो एक बार रिपीट करो यस पैक्टोरल रीजन बैक रीजन शोल्डर रीजन आर फोर आर and the hand this is the division we will learn in such kind of the way that there will be no need to mug up the thing or yes it will get inside our brain we will never 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 forget the anatomy okay yes so yes jabalpur the student we are going to start this session first pectoral reason can you see this is the muscle at the neck platysma we are removing this one okay sir

there is the posterior yes towards the head superior and here is the inferior okay so first muscle on the our pectoral region this is the muscle let's start the discussion and i want your participation i am your jarvis you are the tony star you have to participate you have to give order to me you have to give order to me and i will follow that all the things what i want to tell you sir the first muscle at the pectoral region let's start the dissection when you will cut the cadaver first you will get a skin

This pectoralis major, we will see another muscle. Add the pectoral region, sir. This is pectoral region. So pectoralis, a small muscle. That's why minor. Mirza Ghalib, you have to remember this is the pectoralis minor muscle. Now cut this pectoralis minor muscle also. You will see one very small muscle. One very small muscle. Yes, this muscle is just below the collarbone, beauty bone, clavicle. Look. Look for this three dimensional orientation. Yes, sir, this is the clavicle. So, what should be the name of the muscle? Sub-clavius. Sub means niche. Clavius means clavicle. So, the muscle which is located below the clavicle, what should be the name? Yes, it is the subclavius. Everybody? Getting the point? Okay. So, what you have to remember this is our third muscle, subclavius. And here is another one muscle. Can you see? It is having the jig, jack, jig, jack, jig, jack, jig, 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 jig.

याद रखो दोस्तों उर्दू में एक नजाकत है एक बहुत ही बढ़िया सा प्यार है और उसके जो हमारे महारथी हैं मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब कहते हैं सारे राज नाम में दफन रहते हैं सो फॉरगेट द शेक्सपियर एंड रिमेंबर द मिर्जा गालिब व्हाट यू टू रिमेंबर सर देर इज यस 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 देर इज अवर व्हाट यू कैच सर हियर इज द नेम इज इंपॉर्टेंट दिस इज मसल

so now now we are going to look for this our other points sir try to understand one by one pectoris major sir we are going to talk about the our pectoris major muscle yes can you see this one fine now origin the end of the muscle which is fixed during the movement that is known as the origin the part of the muscle which is showing movement during the contraction that is insertion तो बेटा पेक्ट्रोस मेजर का ओरिजिन किधर है सर हियर इज द ओरिजिन एंड देयर इज द इंसर्शन सो इन योर थ्योरी बुक यू विल सी द डायग्राम बट टेक द ओरिएंटेशन दिस पेक्ट्रोस मेजर मसल इट इज हैविंग द क्लेविकुलर फाइबर ऐसा फाइबर जो क्लेविकल से निकलता है क्लेविकुलर फाइबर यस द पार्ट व्हिच इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द स्टर्नम दे आर नोन एज द स्टर्नल फाइबर And the 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 few part part. they are are taking origin from the abdomen part. These are our yes abdominal fiber. Three parts of pectoris major. Getting the point everybody? देर okay? टेकिंग yes, perfect परफेक्ट ललित परफेक्ट राजश्री ऐसे कमेंट करते हुए चलने बेटा चार मसल के नाम याद रखने सागर बहुत बढ़िया सागर चलो आगे बढ़ते हैं व्हाट यू टू रिमेंबर सर दिस इज द पॉइंट ओरिजिन यस क्लेविकुलर पार्ट क्लेविकल से External part, sternum, say, and these are the abdominal aponeurotic part. Fine. Now, try to understand this all the fibers are going towards our humor bone, funny bone, humerus, sir. This is the humerus. So, here is the insertion. One very beautiful mnemonic we all know. What, sir? Lady between two major. Yes, sir. There is the medial major, there is the lateral major, and in between them, there is the lady. Yes. Lateral major. जर मीडियल मेजर कौन रहेगा टेरिस मेजर ऑर्बिटर लेडी कौन रहेगी ये गेटिंग द पॉइंट सो दीज ऑल आर लोकेटेड एट द अवर ह्यूमरस

तो सब के सब वा वाह वा कमेंट करते चले जाओ सो रिमेंबर सो सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक ओके तो बेटा याद रखना यू टू रिमेंबर सर दिस मेजर बढ़िया सा ओरिएंटेशन है अब भूलना ही नहीं है सर इट इज टेकिंग ओरिजिन एट द फ्रॉम द क्लिनिकल फ्रॉम द स्टर्नम एंड फ्रॉम द अवर एबडोमल पार्ट ऑल्सो दीज आर टेकिंग इंसर्शन इन टू द अवर ह्यूमरस फॉर द वाइवा फॉर द प्रैक्टिकल फॉर द दोलॉजी लेडी बिटवीन टू मेजर

कोई नहीं भूलेगा लेडी बिटवीन टू मेजर बिल्कुल नहीं भूलना है दो मेजर कौन है

It is taking origin from the our scapula lateral border and it is getting insertion into the our medial lip of the teres major. Nobody will forget this one. Yes, your Jarvis is here. order they now you are my tony stark, and I am your Jarvis. But you have to never forget. I'm giving the system of the anatomy lady between two major. Lady between two major. Lady between two major. Getting the point? Yes, Dr. A says, thank you for saying the legend. You are also the legend. Okay, everybody getting the point? Okay, sir. Chalo. Ab hum nerve supply ki baat karte no need to mug up. Sir, this is the pectoral region. Add the pectoral region, Pectoral nerve will be there. Yes. There are the two pectoral nerves. One is medial pectoral nerve. Another is laterally. What should be the name? Lateral pectoral nerve. Yes. Do you remember Hilton Law? जो नदी जहां रहती है जहां बहती है उस एरिया को सप्लाई करती है गंगा रिवर इज ऑन द नॉर्थ साइड सो द नॉर्थ स्टेट दे विल बी बाय द गंगा रिवर गंगा रिवर विल नेवर सप्लाई द साउथ एरिया डू यू रिमेंबर फ्रॉम अवर बुलेट ट्रेन एनाटॉमी? यस। इन द सिमिलर वे एट द साउथ साइड ऑफ द इंडिया देयर इज कावेरी गोदावरी दे विल नेवर सप्लाई द डैली

Lateral and medial pectoral nerve now what you have to remember i'm coming close to your screen main aapke saath, aapke table, main aapke paus, What you have to remember any muscle any muscle which is supplied by the two nerves, known as Hybrid muscle composite muscle never forget very important question mcq viva practical for the first mbbs students As well as for the need pgi nicet and the fmg what you have to remember beta, remember the pectoralis major, the pectoralis major is supplied with the two now. What are that? Lateral pectoral nerve, medial pectoral nerve, the muscle which is supplied by the two nose, known as the hybrid muscle. Later, I will teach you all the hybrid muscles of the body in one mnemonic. The BSP, Bahujan Samaj Party, joined by the Pupa. Yes, Pupaji joined the Bahujan Samaj Party. And then I will teach you the hybrid muscle of the lower lip only in one mnemonic, that is the Bab. And one very funny, funny song we will listen. Do you remember the very, very good song dedicated from the South side for the greatest motivation, Pita? Yes, in that song they are saying what? मालूम पिता किता दे मालूम पिता किता दे मालूम पिता किता दे पिता किता दे दिसोंगी सही मालूम है पिता किता दे

If any muscle will cross the joint from the back, back movement. If any muscle will cross the joint from the above, above movement. If any muscle is crossing from the medially, yes, medial movement. So simple. Jidhar muscle udhar movement. Can you see here, sir? Yes, 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 yes. Thank you everybody. Thank you. So, Hemant is here. Yes, thank you Hemant for saying the god to me. Yes, Gagan, you are right. Oh, my favorite student Gagan is here. Yes, Gagan is very, very good student. I am knowing him since the 2019 from the hour. Yes, lockdown time at the Rudki. We did a very beautiful class. Yes, Mohit. पॉइंट यस लीजेंड जूनियर मारवा सर और यहां पर मोहित को वो बोल रहे हैं मोहित कैसे है भाई मोहित बताओ बेटा तुम कैसे हो yes, ये बहुत ही बढ़िया इंट्रेक्टिव बनाना है आपस भी बातें करो इंजॉय करो बेटा स्टडी को एनाटोमी को हम पिघलाके रख देंगे बिकॉज दिस इज क्रॉसिंग द ज्वाइंट फ्रॉम द फ्रंट तो बेटा जब ये मसल कॉन्ट्रेक्ट करेगी तो ये आर्म किधर जाएगा बोलो ये ह्यूमर किधर जाएगा बेटा ये कॉन्ट्रेक्ट की आगे खींचेगा

getting the point what i want to tell you sir when this muscle is contracting it will cause flexion but when our arm is already flexed so when this will contract it will carry the arm back side so that is the extension so this muscle is responsible for the flexion extension flexion extension suppose i have to climb upside so what i will do i will hold the things in this way and then i will lift my body so what is happening yes my body will get lifted. why due to the contraction of the pectoralis major very important mcq for the neat iict first year practical climber's muscle which is the climber's muscle pectoralis major complete khatam tata bye bye yes it is the your climber's muscle itna hi yaad isse nahi yes Arvinder. Bagembo. Kushwa. yes so, remember such kind of things during the viva, your examiner must say, aapke viva say. So, remember, this is your all the points regarding the pectoralis major. Everybody clear? Okay. Yes, from back to the above movement. You're right, Gagan. You're right. Perfect. So, what I want to tell you, this is the climber's muscle. This is a very important question. Yes, Gagan. You're right. So, sir, these are the, all the points. I told you the origin from the clavicle. From the sternum and from the abdomen, then insertion lady between two major you have to remember. Then now supply sir, it is responsible for the now supply medial and lateral pectoral. They are responsible for supplying and the action. It is causing the flexion as well as it is causing the extension. That's why it is known as the climbers muscle. Your INICTM's M's question. One more thing, can you tell me when this muscle will contract, the humerus will come medially or the humerus will come laterally? It will go laterally. Tell me yes 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 when this will contract it will pull the humerus towards the midline midline movement midline movement is the adduction away from the midline that is the abduction so this is causing the adduction yes sir it is causing the adduction so which muscle is responsible for the adduction at the shoulder joint answer is our pectoralis major every aspect complete clinical point yes few people will be there who will show congenital absence of the pectoralis major

Agree. So now we are going to look for the next. But Rupal, all the cadaveric images we had covered in our app. This session is for the three-dimensional anatomy. So you can go at our app, Cerebellum Academy, where you can see the cadaveric image. But this session is especially dedicated for the all the mans for the proper orientation. So we are focusing here. Okay, getting the point, Rupal. Okay. Now try to understand further, sir. After this one. Yes, we are cutting this muscle and we are looking for the another muscle. Sir, this is our pectoral region. So pectoralis, but this muscle is small, so minor. Four heading, you have to learn. Origin, insertion, now supply, action. First, origin. This muscle which is having the fixed end origin, but the part where there is a movement that is the insertion. So can you count? It is taking origin from these ribs. Yes. First rib, second rib, third, fourth, fifth. Yes, sir. It is taking origin from the our third, fourth, and the fifth rib, and these fibers are getting insertion into the our scapula. In the scapula, there is the coracoid like process, coracoid process. Yes, sir. The three dimensional anatomy. You can see the coracoid process. The magic of three for the scapula. Magic of three for the scapula. Magic of the Iron Man for the scapula. Three, three border, superior border. Medial border, lateral border. Three angle. Superior angle, inferior angle, lateral angle. Three process you have to remember. The crow beak like process. Ki choch ki tarah jo nazar Coracoid process. And the process which is at the top. Acromion process. And one another process which is at the back side. Spine of scapula. Yes, three process. Again, sir, coracoid process, acromion process and this is the spine of scapula. INICET students, I want to tell you. In your INICT 2017 as well as 2021, there was the osteology image and arrow over this coracoid process was there. They asked this coracoid process in your M.S. exam. So simple questions are also asked. And when you will reach to the intern portion time, you will forget the anatomy. But if you are having the three-dimensional orientation properly with the help of the Jarvis, definitely you will catch every point. Agree, beta? Okay. Yes. Thank you, Hemant. Hemant is saying your energy so high, which make your session so elegant, so beautiful, just looking like wow. Yes, this all the energies are coming from you, all the students. So you all are so beautiful, so elegant, just looking like wow. So let's continue this session. Yes, scapula. Yes, everything is 333. Three, three. three border, medial border, lateral border, superior border. Three angle, lateral angle, superior angle, inferior angle. And there are the three process: coracoid process. Acromant process, spine of scapula. Three fossa. Sir, supra-spinatus fossa. It is above the spine. So, that's why, what should be the name? Supra, matlab upar. Spinatus means spine. Yes, another fossa, this one. Sir, it is below the spine of scapula. So, this is the infra-spinatus fossa. Infra-spinus fossa. And another one, on the front side. Yes, it is below the scapula. So, you will use the term sub-.

and there is one another muscle which is in the our sub scapular fossa so you will say sub muscle complete so easy agree beta fine yes you are right you are right gagan you are right so what i want to tell you sir these are the points regarding the our yes scapula Patrice minor i told you the origin third fourth fifth rib near the costochondral junction itna yaad rakhna third fourth fifth rib can you Catch this point. It is getting insertion into the coracoid process. It is getting insertion into the coracoid process. Complete. Origin complete. Insertion complete. Action. Now, rule lagao. Kaunsa rule? Where muscle goes, there movement flows. Jidhar muscle, udhar movement. When this muscle will contact, it will pull the scapula in this way. Getting the point? So, the scapula, it will come on the front side. So, when the scapula is coming on the front, this is known as pro of scapula. I want to tell you this is the question from the inictms then repeated in the net PG, then came into the FMG exam also, and this all are the basic question from your first MBBS. Viva. so whatever you are learning in your first MBBS, same things are asked in your all kind of the exam. So this is the question: the protractor of scapula. Don't forget the protractor of the scapula is pectoris minor. Complete, every aspect complete. Okay. स यस यस डेफिनेटली अंश मेक द ग्रुप आई वी आई एम वॉचिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द व्हाट्सएप ग्रुप बेटा अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में लोग आते रहे जुड़ते रहे पूरा का पूरा हिंदुस्तान जुड़ गए उसमें तो बेटा ये सेशन होता रहेगा एंड फॉर दिस आई नीड योर हेल्प सारे के सारे बच्चे बेटा उस ग्रुप को ज्वाइन करो डिमांड करते रहो बिल्कुल हम ये सेशन करते रहेंगे लेकिन जहां पर डिमांड कम हुई मुझको चाहिए कि यहाँ पर सौ बच्चे नहीं अभी एक सौ पचास बच्चे यहाँ पर है पहले सौ थे एक पचास बच्चे हो गए मुझको यहाँ पर हजार बच्चे चाहिए हजार बच्चे हजार बच्चे होंगे तो ये सेशन चलता रहेगाट टू टेल्यू बेटा यस एड योर ईच एंड एवरी फ्रेंड इन दिस ग्रुप वी विल क्रिएट द सच ऑफ द थिंग्स फॉर द एंटायर बॉडी पार्ट This is the part for the muscle. Then we will do for the lower limb. Yes, entire body. Then we will go for the artery, vein, nerve, every aspect. Okay? What I want to tell you, sir, this is the pectoris minor. Now, come to the next. Sir, this is the another muscle. Next muscle. Yes, this is the subclavius. What I want to tell you. Yes, Roni Beardaga, remember, this is Iron Man session. This is the Jarvis session. Or Dr. Shrikant Varma, big character meghusge yes this is the style of the tony stark i am iron man getting the point so remember ka hua okay getting the point okay fine okay so hope honey you got the answer character me ghus gaya anatomy okay yes sir so now we are learning about this muscle what should be the name below that's a sub किसके नीचे है सर क्लेविकल के नीचे है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सब क्लेवियस मसल गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी ओके यस 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 सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट्सएप लिंक ओपन नहीं हो रहा है ओके आई एम रिक्वेस्टिंग टू द टीम आई एम रिक्वेस्टिंग टू द टीम टू शेयर दैट लिंक व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द सेरिबेलम एकेडमी ओके ओके सो मिस्टर शुभम मिस्टर शुभम विल शेयर यू द लिंक ओके डोंट वरी फाइन तो शुभम जी से कांटेक्ट करो और उनको बताओ कि वो ग्रुप जो है वो ओपन नहीं हो रहा तो वो फिर से शेयर करेंगे आप इसको फिर से ओपन कर सकते थ्री डायमेंशनल ओरियंटेशन के देखो आगे से देखो पीछे से देखो सर फर्स्ट ट्रिप सेकंड ट्रिप सो ऑन ओरिजिन कहां से होता है फर्स्ट ट्रिप से इंसर्शन कहां होता है सर दिस इज अवर क्लेविकल सर इट इज अवर क्लेविकल सो

injury to the brachial plexus i will teach you the brachial plexus the network of the nerve sir clinical integration sir the clinical integration that here is the our clavicle can you see the bunch of the nerve three dimensional orientation these are arising from the our spinal cord and through the our axilla sir they are reaching to the upper limb part can you see yes upper limb part so this is brachium and here is the bunch of the nerve what you will say sir this is the brachial plexus getting the point so this brachial plexus is entering just behind the clavicle clinical orthopedics casualty and trauma whenever there is a fracture of the clavicle yes the fractured portion of the clavicle it will injure the brachial plexus which muscle make proper stability of the clavicle your answer is yes, sir. The answer is the subclavius. Answer is your subclavius. Don't worry, dear. Don't worry. Very soon we are solving this problem. Group open. Don't worry. Okay. What I want to tell you? Yes, yes, yes. See here. This is the platysma. This is the pectoris major. And here is our subclavius. What I want to tell you? When the subclavius will contact, it will prevent the brachial plexus injury in case of the clavicle fracture. Got the point? okay fine now look the another muscle this is the zigzag muscle serratus it is coming on the front anterior serratus anterior okay break the name get the idea mirza ghalib rule okay now origin it is taking origin from the our ribs can you see first rib second rib third rib so on from the upper eight rib it is taking origin and this all the fibers are getting insertion on the scapula where Yes it is getting insertion along the medial border of the scapula it is getting insertion on the medial border of the scapula getting the point yes i told you the origin i told you the insertion now action yes again do imagination give wings to your thoughts jab ye muscle contract karegi yes think when this muscle will contract apply the elastic band theory jidhar muscle udhar movement where muscle goes

Protraction of scapula. Don't forget my words. What I'm telling you this is the MCQ. Protraction of scapula is done by serratus anterior and pectoralis minor. Mark my word two muscles are protector, serratus anterior and pectoralis minor. MCQ, practical question, viva question, INICT, PG, FMG. Important. Next, when the scapula will come forward, the humerus will come forward. And when the scapula is coming forward, then yes, humerus is coming forward and it is causing the

चीजें समझ में नहीं आती है थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन करो जब ये कॉन्टेक्ट करेगा आगे आएगा और 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 ये pushing punching करेगा, pushing punching कौन करता है? Boxers करता है? है, कभी नहीं भूलोगे, बेटा भूलना नहीं है जागते सोते खाते पीते उठते बैठते अगर किसी ने भी पूछा बॉक्सर्स मसल आंसर क्या होगा सेरेटस एंटीरियर क्यों बिकॉज इट इज कॉजिंग पुशिंग एंड punching action mcq why because it is the protector of the scapula mcq now come to the clinical if there is a damage to the serratus anterior if there is a damage to the serratus anterior yes 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 it is the protector yes we will do all the things gagan we will do all the things okay but right now this is the special session for the upper limb three dimensional orientation okay so sir it is causing the pushing and punching

so when it is getting damaged the muscle is getting paralyzed so what will happen see here this muscle is holding the scapula on the medial side yes sir three dimensional anatomy can you see this muscle is going on the medial side there yes sir it is getting attachment on the scapula along the medial border so when this muscle is getting cut the scapula the medial border it will get elevation so what will happen in the patient on the back side the medial border the scapula will get elevated this clinical scene is known as comment, comment, comment. This clinical scene is known as yes, yes. Tell me the elevation of the medial border of the scapula is known as what? What is your answer? Yes, yes, yes. Now, comment this one. Yes, sir, these are the four muscles. Perfect, perfect, Hemant. Perfect, perfect, yes. So, here, Cerebellum Academy, Mr. Shubham, thank you very much. He shared the link. ज ओपन दिस लिंक इज वर्किंग एंड ज्वाइन दिस ग्रुप वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू पहले जब यह सेशन चालू हुआ तो फिफ्टी स्टूडेंट्स थे फिर हंड्रेड हुए अभी वन फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं और ये

Three-dimensional anatomy, sir. What is the our pectoral region? The area in front of the chest completed. Now area at the back side. Yes. Behind the chest region, back side. So you will see the five muscles. Chalo, pahle, muscle ko yaad karte this muscle is trapezoid in shape. INICT question: When you will see one half, it will appear triangular. Mark my word. Grays anatomy 41st and 42nd edition. Yes, sir. The Ramayana, the Gita, the Bible of the anatomy. Yes, this grace anatomy. It is saying this muscle is triangular on the view when you are looking only one side. So this question had been asked in your M's exam. Yes, your best answer. Your best answer is trapezoid shape. That's a trapezium. Yes, diamond shape. Yes. But if it is not given, then you will mark the triangular, don't mark the quadrangular M's question now this is the first muscle cut this one yes neha kumar please save please try again because sometimes what happens in the technical things immediately they will not show after few times when your uh, mobile will get set then that link will open don't worry this link is correct if cerebellum team is sharing if mr shubham is sharing definitely it will be right okay so

तो ग्रीक लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज में लाटा का मतलब क्या होता है लाटा का मतलब होता तो है चौड़ा यस yes, वाइड ये बहुत चौड़ी मसल है एंड इट इज ऑन द डॉर्सम इट इज नॉट ऑन द फ्रंट क्या नाम देंगे सर लैटिसिमस समझ में आ रहा सबको पहली मसल बोलो सर ट्रेपेजियस दूसरी मसल बोलो सर कम फॉर थर्ड मसल सर दिस मसल वेन दिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट

What should be the name? Rhomboid major. Getting the point? Yes, it is rhomboid major. Yes, kaju katli shape ki jo muscle dissection me at the backside that will be the rhomboid major. Next muscle. Can you see? This is the again rhomboid ship, but it is small because it is small. That's a rhomboid minor. Are you getting? This is the rhomboid minor. Sir, I told you the muscles at the backside. Again revising. थ्रीड नॉट मी फर्स्ट इज ट्रेक्स्ट इज लैटिथ मी बेटा खूब मेहनत करनी है ट्रेपेजियस लैटिस समस्ट डॉट सी नाउ कट दिस मसल कट दिस मसल सी दिस मसल इज बिग रॉम्बॉइड इन शेप सो रॉम्बॉइड मेजर अब भी क्या याद कर लो नाउ लुकियर

Yes, I will tell you the origin also. Don't worry, Chirag. Okay, fine. You are my Tony Star. I am your Jarvis. So, tell me what you, you need. I will describe that one. Okay? Okay, sir. So, now all the things. Origin, insertion, now supply action. One by one. First, trapezius. Sir, it takes origin from the medial one-third of the superior nuchal line. Can you see? The skull. Yes, sir. There is one line. Okay, sir. It is above. is why superior. ये गले में है इसलिए बोलेंगे न्यूकल ये लाइन है इसलिए लाइन सो दिस इज सुपीरियर न्यूकल लाइन बट रिमेंबर नॉट द लेटर वन थर्ड पार्ट बट द मीडियल वन थर्ड नेक्स्ट दिस बोनी एलिवेशन व्हिच यू कैन फील एट द बैक साइड दिस इज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटरबेंस इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटरबेंस now it is taking origin from the ligamentum nuchae at the neck and then the c7 spine the three dimensional anatomy can you see here sir this is the our yes yeah, c7 vertebra so in the c7 vertebra can you see beautifully the body the spine the transverse process yes here is the, your

जिसको जो कहना है कहने दो आयरन मैन का क्या जाता है जिसको जो कहना है कहने दो आयरन मैन का क्या जाता है ये वक्त राव याद रखो बेटा कि वक्त जो है हमेशा 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 cents, बदलता रहता है लेकिन आपको याद रखना आपका अपना एटीट्यूड स्ट्रांग रखना आपको मेहनत करते रहनी है जिसको जो कहना है कहने दो आयरन मैन का क्या जाता है ये वक्त वक्त की बात है और वक्त आयरन मैन का ही आता है तो आपका भी वक्त आएगा यस मेहनत करते रहनी है जिस तरीके से टोनी स्टार का दिन रात जागते हुए अपनी टेक्नोलॉजी पर काम करता है सोता भी नहीं उसके दिमाग में उसके दिल में हमेशा एक सनक रहती है कि हाँ उसको सबसे बेस्ट 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 चीज बना करके सामने लानी है वो धुन वो सनक वो पागलपन जिद्दी जोश और जुनून आपके अंदर होने चाहिए और याद रखो यस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा औरों का तो वक्त आया है हमारा दौर आएगा तो बिल्कुल बेटा मेहनत करते चलो वो जोश वो जुनून वो पागलपन वो जिद आपके अंदर होनी चाहिए जो टोनी जो टोनी स्टार्क में में है आयरन तो मैन इसको हम वोटीपल प्रोमिनेंस भी कहते हैं येस, येस, पावर बेटा ओके यस नेहा और तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर कॉन्ट अंडरस्टैंड क्या चीज समझ में आई फिर से पूछो बेटा ओके okay, यस yes, अपना दौर आएगा अपना दौर आ चुका है ओके सर सो दिस दवर सी सेवन स्पाइन क्या चीज समझ में नहीं बताओ हम फिर से उसको डिस्क्राइब करेंगे ओके सो नाउ दिस मसल इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द सी सेवन स्पाइन एज वेल एज ऑल द वर्टिब्रा कैन यू सी सर दिस आर द डिफरेंट वर्टिब्रा दिस मसल इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द वर्टिब्रल स्पाइन टिप ऑफ द स्पाइन फ्रॉम द टी टू रिमेंबर द टी

upper fiber the upper fibers they are coming and they are inserting into the clavicle but can you see the middle fiber the middle fibers they are coming and these are getting insertion into the acromion process where along the medial border and can you see sir this is our lower fiber these lower fibers are taking insertion into the our scapula along the upper border of the spine of scapula

Practical question, INICT, NEET PG and FMG question, answer is your scapula. FMG exam, recently in July 2023, this question had been asked. What is the nerve supply of the trapezius? Sir, accessory nerve, 11th cranial nerve. So, one person is climbing on the stair and there was the injury at the neck. And patient is presenting with the drop of the shoulder. Which nerve is damaged? Sir, the nerve supply is accessory nerve, answer is accessory nerve. Got the point? What I want to tell you, remember, sir, if there is a damage at the neck, the trapezius will get paralyzed. And when the trapezius is getting paralyzed, the scapula will go down. The scapula will go down and patient will present with this one. So, you know, Pushpa, nahi sala. he was, yes, he got the injury at the same our accessory nerve, the trapezius. So, there was a drop of the shoulder. Yes, that's why in that movie, you had seen, Teri श्रीवल्लीक्चुअली ही वॉज द पेशेंट ऑफ द पैरालाइसिस पॉइंट एवरीबडी ओके ओके एवरीबडी होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट इफ यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट तो चलो एक बढ़िया सा इमोजिस हो जाए Yes, my clapping for all of you, my thumbs up for all of you, my flower, my hearts for all of you. If you all like this Hollywood, Bollywood, Tollywood integration with the anatomy, agree? Yes, 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 push part, yes, 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 post any kind of thing. Yes, Shrivalli, fine. So, remember these are trapezius I told you the origin, insertion, nerve supply, 11th cranial nerve, action, upper fiber. shrugging but this middle fiber when this middle fiber will contract the scapula will glide towards the middle line the scapula will go to the back side yes forward movement of the scapula protraction backward movement of the scapula retraction mcq again from the INICT need pg and the fmg exam for your practical also remember first mbbs ke masoom bachcho when this muscle will contract the scapula will go to the back side retraction which muscle is the protractor again Serratus anterior, pectoralis minor. But which is a retractor? Answer is trapezius. Agree everybody? Okay. Yes, yes, yes. Thank you, thank you Neha, thank you. Okay. Fine. Now what I want to tell you, yes, yes, yes. Sir, this is the trapezius. But what will do the lower fiber? Very important. When this lower fiber will contract, when this lower fiber will contract, it will rotate the scapula here. So the glenoid cavity,

i'm telling you the overhead abduction very important when this serratus anterior will contract the scapula the scapula will rotate in that way okay yes sir when this muscle will contract the scapula will rotate in that way and who is helping yes serratus anterior along with this our trapezius lever action these lower fibers they will contract and they will pull they will also help in rotation of the scapula in that way so ultimately, the glenoid cavity, the gland cavity, which is here, with the help of the serratus anterior and trapezius, it will face upside. So now the person glenoid cavity it will go upside. So this is the 90 to 180 degree rotation. That is the overhead abduction. MCQ. 0 to 90 degree abduction is done by supraspinatus plus deltoid. 90 to 180 degree abduction is done by trapezius and serratus anterior. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू वन एटी डिग्री सेरेटस एंट्री एंड ट्रिपेजियस लेकिन पुरानी चीजों को भूल जाओ छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी remember beta, that is the old concept the recent edition of the grace anatomy 41st and 42nd edition and even the red book the bd chaurasia sir and the visham singh sir they are saying the change in the concept 0 to 90 degree remember the surprise plus deltoid then 90 to 180 degree that is your yes sir that is our serratus entry and the trapezius got the point everybody this is the update ओके यस फाइन बिल्कुल एक शायरी हो जाती है शायरी सुना रहा हूं जरा गौर से सुनना माहौल बनना चाहिए अर्ज किया है आपको कहना है तो मैं अर्ज करूंगा और जब मैं अर्ज कर दूंगा तो आपको कहना है माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह और ज्यादा पसंद आ जाए तो कमरे में नागिन डांस भी करना है चलो तो अर्ज किया है बहुत ही कातिलाना शायरी सुनाने जा रहा हूं जिससे कानों से, से पिछटिकसित होगा यस अर्ज किया है बोलो इरशाद इरशाद कमेंट में बोलो इरशाद 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 यस 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू मारवा सर इजियर लीजेंड जूनियर मारवा सर इजियर ओके तो चलो बेटा आप इरशाद बोलो इरशाद बोलो शायरी सुना रहा हूं जरा गौर से सुनना मुझे शायरी नहीं आती प्लीज किसी और से सुनना कैसी लगी ये शायरी बहुत ही कातिलाना शायरी थी कि नहीं चलो एक और शायरी हो जाता है एक और शायरी हो जाता है अगर आप सभी को पसंद आ रही हो तो फर्स्ट ईयर के हंसते हुए शर्माना समझ में आया कैमरे में घुस के पढ़ाऊंगा एकदम स्क्रीन के सामने में आके बताऊंगा और पूरे एक्सप्रेशन देके पढ़ाऊंगा यस याद रखो बट्टो क्या याद रखना है दरकत के पैमाने पे उर्दू लैंग्वेज की नजाकत समझो दरकत के पैमाने पे चिलमने हुस्न का फुरकत से यो शर्माना पहली लाइन समझ में आई हो तो मुझको भी समझाना ओके? 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 मिर्ज़ा द टोनी ऐसा विदोनी होते रहना चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं व्हाट आई वांट टू टेल यू सर दिस अपर फाइबर मिडिल फाइबर लोअर फाइबर एक्शन नाउ फोकस 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 जिस समय जाओ उस समय वहीं रहो अपर फाइबर फाइबर नागिन डांस हो गया यस yes, चिराग तो चिराग यहां पर अपने कमरे में नागिन डांस कर रहे हैं ऐसा माहौल होते रहना चाहिए आप सभी की तरफ से सपोर्ट मिलता रहना चाहिए ओके सर आई टोल्ड द ओरिजिन i told you the insertion i told you the now supply 11th cranial and action all the upper fiber middle fiber lower fiber now come to the next another muscle sir yes 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 mohit thank you for your wow just looking like wow so elegant so beautiful just looking like a wow okay so now come to the latissimus dorsi what are the four headings origin insertion now supply action origin sir this muscle is taking origin from the hip bone

then where entry part or posterior part sir posterior one third part fine now it is also taking origin from the adjacent surface of the sacrum here is the lumbar fascia and then it is taking origin from the lumbar vertebra can you see the l5 l4 l3 l2 l1 yes it is also taking origin from the our lower thoracic spine the t7 to t12 now this all the fibers are going towards the our humerus. This all the fibers are converging, 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 going towards the humerus. Do you remember the lady between two major lateral major, pectoralis major, medial major, teres major, and the floor? There was the lady who was the lady. The latissimus dorsi was the lady. Agree already? Yes, the latissimus dorsi was there. Fine. Yes, sir. So this latissimus dorsi is going, and it is getting insertion into the same point where the is major and teres major we are getting insertion. Yes, sir. So this is our yes, laser tubercle, greater tubercle. This is the sulcus in between the two tubercle. What should be the name? Intertubercular sulcus. Intertubercular sulcus. Yes. So at the floor of the intertubercular sulcus. Which muscle is getting insertion? Remember the latissimus dorsi. Yes, I told you the origin. I told you the insertion. Now, one very important, your question from the Viva Practical INICT-MS NEAT-PG-FMG. Can you see the upper fiber, they are going down and the down fibers, they are going upside. So, such kind of the spatial fiber. Yes, when the fibers, they are showing the change in the direction. Yes, I am showing you one demonstration look here look here see here suppose this is the one bunch of the muscle okay so vein you can see this is the upper border and here you can see the lower border when the upper border they are going down and down fiber they are going up so this is known as spiral or twisted muscle the classical example of the spiral or twisted muscle your m's i n i c t neat pg and fmg question answer is lattice dorsi, dot you can see the upper border yes sir yes sir yes sir it is going down while the down fibers they are going up 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 so any muscle any muscle which is showing such kind of the phenomena the upper fibers they are going down and down fibers they are going up that is known as spiral or twisted muscle the classical examples they are climbers muscle latissimus dorsi is the climbers muscle as well as the pectoralis major is also the climbers muscle can you observe the pectoris major okay fine Sir, the upper border it is going down, and can you see the down fibers of the pectoralis major? They are going up, 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 up. Yes. So this is the again climbers muscle. It is also spiral or twisted. So better Two muscles are the spiral or twisted. One is latissimus dorsi, another is pectoralis major. MCQ. Both are climbers muscle. I told you about the pectoralis major. Yes. Okay? Yes, तकलीफें yes, आएंगी तो बहुत सारी तकलीफें आएंगी ओके याद रखना हमेशा इस रास्ते में कई सारे काटे हैं कई सारी तकलीफें हैं लेकिन इन रास्तों से हमको गुजरते हुए चलना है मुश्किल है मुश्किलें इंसान का हौसला आजमाती हैं सपनों का पर्दा निगाहों से हटाती है गिर गया गिरकर संभलना ऐ आदमी ठोकरें इंसान को चलना सिखाती चलना सिखाती सिखाती हैं हैं जब आप इस जिंदगी के रास्ते पे चलोगे जब आप इस पढ़ाई लिखाई के रास्ते पे चलोगे बहुत सारी तकलीफें आएंगी बार बार आप गिरोगे लेकिन गिर करके जो उठता है हार कर जो जीतता है उसे ही हम बाजीगर कहते हैं ओके सो रिमेंबर दिस ऑल द थिंग्स डोंट वरी पूजा अगेन ट्राई आफ्टर द सेशन प्लीज की आपका लिंक सही है टुडेज सेशन इज टोटली डेडिकेट फॉर द मसल ओरिजिन इन बिटवीन फ्यू क्लिनल थिंग्स आई एम टेलिंग यू लेकिन नर्व इंजुरी वाला चीज हम अलग से कभी कर सकते हैं ओके ने हाँ ओके सर सो आफ्टर दिस ऑल वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू सर द लैट इजी एवरी पॉइंट अबाउट दैट इसम्लीटेडिन इंसर्शन नो सप्लाई एक नर्व है जो थोरेक्स में डॉर्सम में रन करेगी क्या नाम दोगे थोरेको डॉर्सल नर्व वॉट इज नर्व सप्लाई नर्व सप्लाई ऑफ दिस एरिया ओके सर फाइन नाउ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू एक्शन वेन दिस मसल विल द ह्यूमरस ये अगेन जिधर मसल उधर मूवमेंट सो वेन दिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट इट विल पुल

definitely this muscle is going from the back to the front 3d orientation sir it will rotate the humerus towards the midline medial rotation so ultimately it is causing the adduction yes it is causing the extension it is causing the adduction and the medial rotation so ultimately it is helping in this position this is the stand at his position again latissimus dorsi is responsible for the Extension, adduction, and the medial rotation. This is the stand at his position. You know, at the school, attention, stand at ease. Attention, stand at ease. Which muscle is responsible for the stand at ease position? Yes, I am telling you the concept. No need to take the help of the trick or mnemonic. Okay. Yes, adduction, extension, and then medial rotation. Getting the point? Okay. So these are the action. That's why it is known as the stand at ease muscle.

Scapuli, it is taking origin from the our transverse process of the first, second, third and fourth cervical vertebra and getting insertion into the superior angle. So when it will contract, it will cause elevation of the scapula, levatory scapulae. Can you see this our rhomboid minor muscle? Sir, this rhomboid minor muscle is taking origin from the spine of the, can you see, first, second, third, fourth, fifth? Yes, sir. It is taking origin from the sixth and the seventh cervical vertebra part. And it is getting insertion into the scapula, just opposite to the spine. Yes. And our rhomboid major muscle. Can you see, sir? It is also taking origin from the spine of the vertebra. And it is getting insertion into the medial border of the scapula. Yes. So these are your origin and insertion. But the origin and insertion of these muscles they will not be asked. What is important? Now supply. These muscles are at the back side. So at the back side, dorsum may. स्केपलर रीजन में एक नर्व है क्या नाम दोगे सर डॉर्सल स्केपलर नर्व सो डॉर्सल स्केपलर नर्व इज सप्लाइंग दिस ऑल द मसल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रूट वैल्यू इज सी फाइव टेल मी बेटा कौन सी नर्व इसको सप्लाई करने वाली डॉर्सल स्केपलर नर्व यस द डॉर्सल स्केपलर नर्व इज सप्लाइंग द फर्स्ट लिवेटरी स्केपुली दिस इज द एम्स आईएनआईसीटी क्वेश्चन सेकंड रोमबॉइड माइनर एंड थर्ड रोमबॉइड मेजर

Come for the our scapular region. Okay, sir. So now look for this our scapular region. Ek ek karke. Can you see? You will dissect here. Skin, superficial fascia, deep fascia, and then muscles are there. So there is one delta-shaped muscle, deltoid. Yes. Deltoid, it is taking origin from the our clavicle, lateral one third, anterior border, then the middle fibers.

जस्ट डेल्टॉइड के ओरिजिन का उल्टा देखो कितना बढ़िया प्यारा सा इंटीग्रेशन है ऐसा आपको किताबों में नहीं मिलेगा क्या याद रखना है अपर लिप एंड वॉट यू टू रिमेंबर डेल्टॉइड ओरिजिन

tell me the now supply of the deltoid comment to me the now supply of the deltoid देखते हैं यहाँ पर इंडिया के अलग-अलग कॉर्नर से बच्चे आए हुए हैं अब्रॉड से भी बच्चे हैं व्हाट इज द नाउ सप्लाई इन द डेलटॉइड कौन आंसर करता है एक्शन की बात करते हैं द फ्रंट फाइबर दे विल मूव द ह्यूमरस ऑन द फ्रंट सोचो ये कहां से आ रहा है आगे से आ रहा है तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्म आगे जाएगा दिस इज द फ्लेक्शन एंटरी फाइबर दे आर कॉजिंग द फ्लेक्शन पोशी फाइबर व्हेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट इट विल गो बैक साइड सो इट इज कॉजिंग द एक्सटेंशन And the middle fiber yes middle fiber is on the laterally so when these middle fibers will contract when this middle fiber will contract it will cause yes away from the middle line that is the abduction which muscles are abductor of the shoulder remember the deltoid muscle deltoid muscle they are abductor agree better? fine okay so do you remember 0 to 90 degree abduction deltoid middle fiber ढाई किलो के हाथ को कौन उठाता है याद रखना मेरे बच्चों सनी देओल नहीं उठाता ढाई किलो के हाथ को एबडक्शन कौन करता है यही डेल्टॉइड मसल यस एक बार हमारे सनी देओल जी थे तारा सिंह जी उन्होंने कहा मैं निकला ओ गड्डी लेके हमारे सलमान भाई जो कि आइडियल पर्सन है हमारे इंडिया के उन्होंने भी कहा था एक दिन मैं भी निकला था गड्डी लेके ओके okay, अगर ये आपको जोक समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया और जिसको नहीं समझ में आएगा रात को पढ़ता रहेगा अचानक हंसना लग जाएगा और उसका रूम पार्टनर हो गया वो बोलेगा अरे क्या हुआ क्यों हंसा तो वो बोलेगा सर ने जो जोक शाम को सुनाया था वो रात को दो बजे समझ में आया है ओके okay? सेलमोन भोई ने क्या कहा था एक दिन मैं भी निकला था गड्डी लेके ओके okay? तो याद रखना ढाई किलो के हाथ को सनी देवल के नाम पर यस कौन उठाता है सनी देवल नहीं डेल्टॉयड

what i want to tell you in fry बेटा ये लिंक अपने कॉलेज के हर बच्चे को शेयर करो हर जगह जानी चाहिए ये टोटली फ्री सेशन है आप सभी लोगों के लिए ओके हर बच्चे को जुड़ना है एनाटॉमी से और इसको हम बहुत आसान करेंगे तो डिमांड कम नहीं होनी चाहिए डिमांड बनेगी तो हम ये सेशन कंटिन्यू करते रहेंगे ओके उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को जुड़ते चले जाना है और अपने दोस्तों को भी लाना है डिमांड करते रहना है ऐसे फ्री क्लासेस आप सभी लोगों के लिए शेर बिलम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम करते रहेंगे लेकिन आपका जो ग्रुप है वो बढ़ते चले जाना चाहिए बढ़ते चले जाना चाहिए बढ़ते चले जाना चाहिए सो आई एम लुकिंग फॉर योर ज्वाइन ओके okay? तो अगर आपको मजा आ रहा होगा तो फिर से सोचो बेटा इन्फ्रास्पिनेटस बिलो द स्पाइन ओरिजिन कहां से हुआ इन्फ्रा स्पाइनस फोसा इंसर्शन कहां हो रहा yes, है इट इज गोइंग टू टेक इंसर्शन इनटू द ग्रेटर ट्यूबरकल यस ये ग्रेटर ट्यूबरकल है कहां मिडिल इंप्रेशन में एक्शन क्या होगा सोचो व्हेन दिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट इट विल रोटेट द ह्यूमरस आउटसाइड इमेजिन करो जिधर मसल उधर मूवमेंट आई टोल्ड यू यस व्हाट Where muscle goes, there movement flows. So when this muscle will contract, the humerus will rotate in that way. So it is causing the lateral rotation. Yes. What is the nerve supply? Again, sir. Supraespanitus, infraespanitus. Here is the one nerve, supra scapular nerve. Rakhnye, supra supra-scapular nerve. Complete. Okay. Now look for this muscle. Yes, yes.

एंड इट इज गेटिंग इंसर्शन इन टू दर टू वर्कल लोअर इंप्रेशन एक्शन जब ये मसल कॉन्टेक्ट करेगी जब ये मसल कॉन्टेक्ट करेगी मसल कॉन्टेक्ट करेगी तो ह्यूमरस को इमेजिन करो यू विंस टू योर इमेजिनेशन यस ये ह्यूमरस ऐसा घूमेगा सर जब ये मसल कॉन्टेक्ट करेगी तो ये ह्यूमरस आपका यस इधर पीछे घूमेगा जब ह्यूमरस पीछे घुमा बाहर घुमा तो ये क्या हो गया external rotation, lateral rotation. Teres minor is responsible for the lateral rotation. That's why in all paralysis, when the teres minor is getting damaged, the patient cannot rotate the humerus laterally, the patient will present with the medial rotation, the policeman tip hand deformity. Teres minor you have to remember. Now supply. Tell me better. Tell him the teres minor. Teres minor is supplied by visioner. Yes. Thank you, Gagan. Thank you. Cerebellum is best. थैंक यू सो मच फॉर यूर सच कैंड वर्ड इज दीडिंग है कि आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को, तो, को यूट्यूब चैनल पर भी बेटा आप लोग काफी सारे फ्री कंटेंट है आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर कई सारे आपको बेनिफिशियल चीजें भी मिलेंगी यहाँ पर डॉक्टर जैनब वोरा मैम का आपका पूरे नाइनटीन सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन मिलता है जो आपके नीट पीजी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्टर रिस्पेक्टेड जीआरजी सर हैं डॉक्टर अपूर्व मेहरा सर हैं जो कि इंडिया के टॉप लीडिंग एजुकेटर हैं यहां पर हमारे डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर हैं डॉक्टर विवेक जैन सर हैं जो इतने प्यारे तरीके से सारी चीजों को गाइड करते हैं हर सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट यहां पर आपको मिलेंगे डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी सर है जो हमेशा बच्चों से जुड़े रहते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए आपको गाइडेंस न सिर्फ फर्स्ट एमबीबीएस से मिलेगा बल्कि फाइनल एमबीबीएस तक आपको सारे सारे लोग मिलेंगे हमारे फर्स्ट प्रॉफ सेशन में भी डॉक्टर इस्माइली मैम है डॉक्टर पूजा मैम है जो आपके फर्स्ट एमबीबीएस को बहुत ही प्यारे तरीके से हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए चलेंगे तो इस तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे हर सब्जेक्ट में एक से बढ़कर एक टीचर आपको मिलते चले जाएंगे ओके सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो द सेरिबेलम एकेडमी एक्स्ट और सेरिबेलम इज द बेस्ट ओके सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी ओके चलो थैंक यू थैंक यू कमल थैंक यू विशाल सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द अवर फर्दर थिंग्स यस सर दिस इज माइनर मसल टेरिस माइनर माइनर रिमेंबर बेटा दो मसल एक डेल्टॉइड और दूसरी टेरिस माइनर दीज आर सप्लाइड बाय द नर्व वॉट यू टू रिमेंबर एक वाइवा क्वेश्चन है फर्स्ट एमबीबीएस के बच्चों का वॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्व टू माइनर

Agree? Yes, thank you, thank you, Nikita, thank you, Vita, thank you, Vishal. Okay, sir, so this is the teres minor. Now, the teres major, I told you it is taking origin from the scapula, lateral border, you can see, lowermost part, and it is getting insertion in lady between two major. Do you remember? Lateral major, Pectoris major, medial major, teres major, and at the floor, latissimus dorsi. Okay, sir, getting the point? उ ट्राइ टू अंडरस्टैंड यस दिस व्हाट्सएप चैनल इज ओनली फॉर द फर्ट एमबीबीएस बट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन वहां से बेटा आप डिमांड करोगे तो हम टेलीग्राम का लिंक भी आप लोगों के लिए शेयर करेंगे और आपके प्रॉफ का भी अलग से हम ग्रुप बनाएंगे बट यू कैन ज्वाइन दिस फर्स्ट प्रॉफ्टीबीएस ग्रुप ओके यस प्लीज ज्वाइन डोंट वरी ये स्पेशली फर्स्ट एम एस के बच्चों के लिए लेकिन आप किसी भी प्रॉप के बच्चे हो सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर क्योंकि बेटा ये है आपको उसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी फिर वहां से आपकी डिमांड होगी तो हम आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर के ग्रुप में आपको ले चलेंगे कौन yes, okay, okay, so बताएगा नर्व सप्लाई सर टेरिस माइनर इज बाय लोअर सब स्कैपुलर नर्व कैसे याद होगा समझो सर इन द सब स्कैपुलर फोसा देयर इज अ सब स्कैपुलरिस मसल व्हिच इज मल्टीपिनेट एंड हाइब्रिड मसल वाई हाइब्रिड डबल नर्व सप्लाई अपर सब स्कैपुलर नर्व एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व जब ये लोअर सब स्कैपुलर नर्व की नदी बहती है तो वो कहती है कि मैं सब स्कैपुलिस को सप्लाई कर रही हूं तो साथ में यहां पर मेरे पास में टेरिस मेजर है

ओके, यस थैंक यू अमीम थैंक यू अमीम सिंह इश्त और वेस्ट श्री कंसर इज बेस्ट थैंक यू सो मच डियर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर सो लवली पॉइंट सो लवली योर वर्ड्स ओके चलो आगे बढ़ते हैं करेंगे बेटा यस yes, आकीफा जहारा हम करेंगे बिल्कुल सेशन पहले आप लोग आइए ज्वाइन कीजिए डिमांड कीजिए देखिए विराट कोहली को बैटिंग करने में मजा तभी आएगा जब स्टेडियम खचाखच भरी हो ओके okay. नरेंद्र मोदी जी को स्पीक देने में तभी मजा आएगा जब वहां पर पूरी पब्लिक बैठी हुई हो यस yes. इसी तरीके से जब हमारे मूवी थिएटर में पूरी पब्लिक ऑडियंस खचाखच भरी रहती है तब एक्टर को एक्टिंग करने मजा आता है इसी तरीके से बेटा एक टीचर को एक टीचर को मजा तब आता है जब स्टूडेंट आए माहौल बनाए

Up to the elbow, sir. This is the arm. Arm is having the two compartments. Anterior compartment, posterior compartment. Chalo karo Anterior compartment. Yes, posterior compartment. Agree beta? Entry compartment. The nerve of the entry compartment in upcoming time. I will teach you the nose of the upper limb. Yes, sir. So at this our part, nose of the upper limb. Can you see, sir?

नर्व का आना है, पूरे सारे दोस्तों के साथ माहौल बनाना है तो वो हम बाद में देखेंगे यस आई है एंट्री कंपार्टमेंट मस्किलोटर इट विल सप्लाई दी कंपार्टमेंट बट फर्स्ट एमबीबीएस का वाइवा होता है देर आर सिक्स थर्टी muscles in इन body। यस yes, सर उ मेनी मसल इन दॉडी सर सिक्स थर्टी नाइन सो इट इज टू मच प्रॉब्लमेटिक हाउ वी कैन रिमेंबर इच एंड एवरी मसल एंड नाउ सप्लाई दॉ यस जो नदी जहां रहती है जहां बहती है उस एरिया को सप्लाई करती है हिल्टन लॉ द नर्व ऑफ पर्टिकुलर कंपार्टमेंट इट विल सप्लाई ऑल मसल ऑफ दंपार्टमेंट एज वेल एज

what i want to tell you three muscles in the entry compartment first is biceps second is brachialis third is coracobrachialis again see sir what are the muscles sir there is our biceps two heads long head short head then next muscle you can observe brachialis yes at the brachium brachialis and then another muscle yes

Okay sir, so three muscles, mnemonic is B, B, C. B for biceps, B for brachialis, C for coracobrachialis. Now supply, all are supplied by your musculocutaneous nerve. But one more thing, sir, give respect to this brachialis. Mr. Brachialis, what is the name? Mr. Brachialis. Yes, it is supplied by the musculocutaneous nerve as well as it is supplied by the radial nerve, double nerve supply. That's why this is your... रिमेंबर सर इट इज अवर हाइब्रिड मसल और कॉम्पोजिट मसलर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कौन कौन सा हाइब्रिड मसल देख लिया pactorialis major, pactorialis minor, and this is एंड दिस इज muscle मसल ऑफ द अपर लिंब दैट इज योर brachialis. बेटा इस वीडियो को बाद में पॉज कर करके देखना है और जितने डायलॉग्स मैं बोल रहा हूं जितने एमसीक्यूज मैं बोल रहा हूँ जितने प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो तो सब चीजों को लिख लेना है इससे बाहर का कोई भी चीज नहीं आएगा वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू ये

Now we are looking, the origin, insertion, all the things, sir. Biceps, it is having the one long head, MCQ. This is passing through the intertubercular sulcus. It is surrounded by the synovial sheath. This is the MCQ. This is the practical question. It takes origin from the supraglenoid tubercle of scapula. Long head, short head. Sir, short head is taking origin from the रेडियस वेयर रेडियल ट्यूब्रोसिटी ऑन द बैक साइड एंड इट इज मेकिंग द फ्लैट बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं चपटा टेंडाउन Flat tendon is also known as aponeurosis. The flat tendon is also known as aponeurosis. So, this is the flat tendon of the biceps. It is the bicipital aponeurosis. It merges with the deep fascia. It merges with the deep fascia. Got the point? Okay, sir. Now, what I want to tell you, sir, after this all, biceps. Yes, we are erasing this one. Okay origin insertion i told you action tell me tell me what is the action sir it is crossing the shoulder joint from the front so it will cause flexion of the shoulder yes another can you see it is crossing the elbow joint from the front so it will cause decrease in angle of the elbow so this is the flexor of the elbow joint yes sir now look for this another one sir these are causing the flexion as well as when this muscle contract now look this is the extended elbow this is the semi flex elbow. Okay, sir. So, this muscle is coming from the above and inserting into the radius, radial tuberosity. So, in a semi flex elbow, do this one. When this muscle is contracting, it will pull the forearm in that way. So, this is your supination. Ek example. You have biceps be the biceps and supinate. Yes. Can you feel the movement of the biceps?

दिस मसल इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द कॉरकोट प्रोसेस एंड गेटिंग इंसर्शन इन टू द ब्रेकियम फ्रॉम प्रोसेस गेटिंग इंसर्शन इन टू ब्रेकियम, सो दिसको ब्रेको ब्रेक मसल गॉट द पॉइंट आया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिस मसल कॉजस मूवमेंट एट विच ज्वाइन क्या यह मसल एल्बो को क्रॉस कर रही है नो no, सर ये एल्बो को क्रॉस नहीं कर रही है सो रिमेंबर दिस विल नॉट प्रोड्यूस मूवमेंट एट द एलबो ज्वाइन जो मसल जिस ज्वाइंट को क्रॉस करेगी वहां मूवमेंट करेगी अरे भाई जब ये मसल हमारे एल्बो को क्रॉस नहीं कर रही है तो यह एल्बो पे कैसे मूवमेंट करेगी डोंट डू डॉल कॉन्सेप्ट लगाना है आपको चीजों को समझना है गेटिंग द पॉइंट दिस इज क्रॉसिंग द शोल्डर ज्वाइंट व्हाई इट विल प्रोड्यूस मूवमेंट ओनली एट द शोल्डर दिसरी वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू एवरी एवरीबॉडी गेटिंग द पॉइंट ओके फाइन ट आई वॉन्ट टू टेल यू सर दिस इज द कोरोस एंड ब्रेक अगेन जो नदी जहां रहती है, है, है. किसकी नदी है ओके सर नाउ लुक फॉर दिस अवर नेक्स्ट मसल ब्रेक एलिस बल्क ऑफ द आर्म इज फॉर्म बाय ब्रेकिस यहां पर हमारे डॉक्टर गगन है आपको पता है डॉक्टर गगन रोज जिम में जाते हैं वर्कआउट करते हैं डॉक्टर गगन चौधरी जो यहाँ पर हैं हमारे रुड़की में हम लोगों ने मुलाकात की थी वो बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर उनके बाइसेप्स हैं तो हम डॉक्टर गगन की बढ़िया सी परफेक्ट बॉडी के नाम पे याद करते हैं बेटा याद रखना कि चीफ बल्क कौन बनाता है बाइसेप्स नहीं बनाता कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन यस द बाइसेप्स इट इज सुपरफिशियल सो इट एपीएस दैट इट इज मेकिंग द मेन बल्क नो

ओनी स्टार्क और जार्विस की लर्निंग में मिलेगा यस बाइसेप्स तो बेटा किससे जुड़ा हुआ है रेडियस से और रेडियस हमारे ह्यूमरस को जस्ट टच कर रहा है बट कैन यू सी अल्ना सर अल्ना इज मेकिंग हुक तो बेटा हमारे फोर आर्म को अच्छे से कांटेक्ट तो वो मसल करेगी जो अल्ना से जुड़े रहेगी जो रेडियस से जुड़ी रहेगी वो नहीं करेगी कैन यू सी सर दिस ब्रेकलेस मसल इज गेटिंग इंसर्शन इनटू द अल्ना यस

M for muscular cutaneous, R for radial nerve. This is the hybrid muscle. Controversial question for your INICT NEET, PG exam. Yes, Gagan, you are right, brother. Yes, yes, yes. So Gagan is here. I am doctor Gagan Chaudhary ki baat doctor Gagan ke liye ek baar clapping. Okay? Bohut dedicated person hai wo. Now what I want to tell you, sir. This is the another muscle. Can you see? This muscle is on the back. Front my thin muscle B, B, C. I told you action. Now supply everything. Now at the back of the, our arm. Can you see this muscle? Sir, this muscle is having the long head taking origin from the infraglenoid tubercle. Okay, sir. Now look here. This one. Sir, inside it, there is our one spiral groove in the humerus, sir. This is the humerus. Here is a radial groove or spiral groove where the radial nerve runs. So lateral to it, oblique region. From where the lateral head of the triceps originates and medial to it from the posterior surface, very large area, medial head muscle is taking origin. So, I am telling you one muscle, yes, which is having the three head, medial head, and it is having the lateral head, and that is the long head, long head, lateral head, medial head. Three head, that's why what should be the name, tri. Ceps. Yes, sir. This muscle is known as the triceps. Three heads. So, this is the triceps. Can you see this triceps muscle? I told you the origin and where it is getting insertion. This is getting insertion on the olecranon process. So, this is the olecranon process. The triceps is getting insertion on the olecranon process. Yes, remember the song dedicated for this olecranon process is there. Yes. पुराने समय के जो सिंगर थे उनके मन में जब इमोशन आता था तो प्यारे-प्यारे गाने गाते थे क्योंकि उनके पास वर्ड्स हुआ करते थे जैसे कि कुमार सानु साहब उन्होंने कहा है हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का खाब, जैसे उजली किरण जैसे वन में हिरन क्या प्यारे प्यारे वर्ड्स थे लेकिन आज के जो शायर हैं आज के जो सिंगर हैं आज के जो गाने हैं उनको वर्ड्स नहीं मिलते वर्ड्स नहीं मिलते तो अजीबो गरीब शब्द आते हैं और वहां से ये जो गाने होते हैं वो एनाटॉमिक ऊपर डिपेंड करते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड दे आर डेडिकेटेड ओवर द एनाटॉमी डू नो एनी सॉन्ग विच इज डेडिकेटेड फॉर दिस अवर ऑल ए प्रोसेस येस

ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तभी चीजें सुपर डुपर हिट हो जाती है ओके सो वी विल मीट विद सच काइंड ऑफ द मेनी सॉन्ग्स बट यस दिस सॉन्ग ओले ओले सॉन्ग केम फ्रॉम दिस ओले क्रोनन प्रोसेस व्हाई आई एम टीचिंग यू इन दिस वे बिकॉज़ रिमेंबर बेटा देयर इज अ वन बरसा एमसीक्यू 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 वी आर लर्निंग इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे बरसा स्मॉल साइनोवेल पाउच व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन कैविटी दिस इज हेल्पिंग इन द मूवमेंट This small sinal pouch is known as the bursa. It is located just above the olecranon bursa. That's why this is simply known as the olecranon bursa. Jaha bursa, waha bursitis. So whenever there is a repeated injury over this bursa, there is the bursitis. Olecranon bursa. So you will say olecranon bursitis. Got the point? What I want to tell you: repeated injury of this olecranon bursa is seen in the students. Among the students, yes.

ओके डोंट फॉरगेट यस निकिता होप यू आर गेटिंग द पॉइंट गगन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यस मोहित यू आर राइट टिप टिप बरसा पानी तो मोहित भी बिल्कुल सही है कि ये जो सॉन्ग है हमारे बॉलीवुड का आई एम शोइंग यस 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 दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द अवर बॉलीवुड सॉन्ग इज कमिंग फ्रॉम द अवर सेम थिंग सर दैट इज अवर आई एम जस्ट जस्ट शोइंग अगर मोहित ने जब डिमांड कर ही दी है तो फिर एक बार हो ही जाए यस सर

बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम मोहब्बत बरसा देना तू सावन नया तेरे और मेरे मिलने का मौसम दिल मांगो दिल दो दिल लो बरसा क्यों मांग रहे हो वर्षा लोगो लो तो मूवमेंट कैसे होगा बरसा से ऊपर क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहे हैं और इससे भी ज्यादा फनी सॉन्ग बेटा यस कैन यू सी दिस सॉन्ग यसाइ क्या रहा है इसमें एक हीरोइन आंटी जो है वो कह रही है टिप टिप बरसा पानी टिप टिप करके बरसा से पानी बरस रहा है कहने का मतलब सानोय लीकेज हो रहा है पानी में आग लगा दो अरे गधी अगर मान लो टिप टिप करके बरसा से पानी निकल रहा है सानोय लीकेज हो रहा है तो ऑर्थोपेडिशन के पास जाओ इस तरीके से पानी में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है यस हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड इंटीग्रेशन ये जितने भी सॉन्ग है सब कहा है? से आए हैं हमारे खूबसूरत से एनॉटमी से आए हैं क्यों मैं आपको ये चीजें कह रहा हूं इसलिए क्योंकि बेटा यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं यस सर ओके तो बेटा आपका क्वेश्चन आएगा इस ओले ओले सॉन्ग के ऊपर ओले कैंड बर्साइटिस के ऊपर स्टूडेंट्स एल्बो के ऊपर अभी मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे वर्षा से मिलवाते चलूंगा दिस वेरी इंपॉर्टेंट गॉट द पॉइंट

रेडियल ग्रुप रेडियल नर जो नदी जहां रहती है जहां बहती है सप्लाई करती है सो दस हेड मीडियल नर बेटर स्किन विल बी सप्लाइड बाय रेडियल नर एंड एल्बो जॉइंट बायियल नो सिंपल ओके कॉन्सेप्ट है नाउ वॉट यू हैिमेंबर एक्शन सर दिस मसल इज क्रॉसिंग द एल्बो फ्रॉम द फ्रंट और फ्रॉम द बैक सर दिस इज कमिंग फ्रॉम द बैक इंसल्टिंग ऑन द बैक सो वेन दिस मसल विल इट विल पुल द आर्म ऑन द बैक साइड इट विल पुल द द द आर्म एट बैक साइड यस इट इज कॉजिंग बैक मूवमेंट एंड देर इज इंक्रीज इन एंगल यस देखो बेटा पहले ये 90 डिग्री था अब ये कॉन्टेक्ट किया तो इसने इंक्रीज कर दिया जनरल एनाटॉमी कहती है फर्स्ट एमबीबीएस का कहता है इंक्रीज इन एंगल ऑफ द ज्वाइंट इज नोन एज extension so this muscle is the extensor at the elbow joint got the point okay so these are the our different things so i think this is sufficient for today the next second part will we will launch very soon प्लीज एड योर फ्रेंड्स इन दैट फर्स्ट एमबीबीएस ग्रुप एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू द फोर आर्म मसल एंट्री कंपार्टमेंट द फोर आर्म मसल पोस्टर कंपार्टमेंट देन वी विल सी द शॉर्ट इंट्रेसिक मसल ऑफ द हैंड फ्रॉम वेयर डेफिनेटली डैम श्योर क्वेश्चन इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एज एज वेल एग्जामी नीट पीजी आर आस्ट ओके तो आई थिंक ये सेशन आप लोगों के लिए है अगले एक फ्रेश माइंड के साथ हम आगे की डिफिकल्ट चीजों को करेंगे सो थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल प्लीज आस्क इफ एनी डाउट इज देयर कहा काचा तो चलो बेटा इन ब्रेन स्मॉल पार्ट दैट पार्टिलेरी वेरी इंटरेस्टिंग यस हम यहाँ पर बेसम न्यूक्लिया देखेंगे नेटवर्क देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यस यू विल सी वन वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर दिस वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर इन द ब्रेन इट इज एलमॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर ये बादाम जैसा स्ट्रक्चर है और इसी के ऊपर नॉट ओनली नॉट ऑनली अवर येस हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड बट इवन द टिक टॉक इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द एनाटॉमी तो इस आलमंड लाइक स्ट्रक्चर इस बादाम लाइक -like स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा टिकटॉक में बढ़िया सा गाना बना हुआ है तो अर्ज किया है ये है आपके स्पेशल डिमांड के लिए ये है बेटा आपके स्पेशल डिमांड भरत परमार ने किए उसके लिए इस एनाटॉमिक स्ट्रक्चर को नई बोलना है क्वेश्चन आया हुआ आपके आईएनआईसीटी नीट पीजी एफएमजी एग्जाम में यस अर्ज किया है फायर तोड़ा वाला था के जोगी सिटी गोल्डन चैन दिए शोमन, शोमन, दादा काचा बादाम ओ, बादाम मोहित बादाम, काचा बढ़िया बादाम, काचा बादाम। okay? yes, yes, yes. yes, से अच्छे से तैयारी करो दिस द फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट्स बट यस इट इज डेफिनेटली फर्स्ट एमबीबीएस बेटा सारी चीजें आईएनआईसीटी नीट पीजी और आपके एफ एग्जाम्स में रिफ्लेक्ट होते हैं तो आप इसको कर सकते हैं इसका पार्ट हम आगे भी करेंगे यस थैंक यू पवन थैंक यू जस्ट लव यू सर आई लव यू टू ऑल्सो जस्ट लाइक द आयरन मैन यस लव यू थ्री थाउजेंड ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स मोहित ओके एफ एम जी पी बेटा उसका अलग से ना हमारा सेशन चल रहा है गगन है ना ये जो सेशन था स्पेशली फर्स्ट एमबीबीएस वालों का था लेकिन इसमें हमने आई नीट पी और एफ के क्वेश्चन भी कवर किए ओके टेलीग्राम बेटा इस लिंक में हम टेलीग्राम का लिंक पिन कर देंगे डोंट वरी ओके तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम कर देंगे शेरीविलम एकेडमी का अगर मिस्टर शुभम यहां पर होंगे तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दीजिए बच्चों के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बेटा व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी ज्वाइन करो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आप लोगों के लिए शेयर कर देंगे ना ओके okay. तो मैं भी सर्च करता हूं व्हाट्सएप ग्रुप को व्हाट्सएप ग्रुप मैं आप सभी लोगों के लिए शेयर कर देता हूं व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज सेंड मी द सेविलम व्हाट्सएप ग्रुप सेलम व्हाट्सएप ग्रुप ओके okay. मैं भी यहां पर शेयर कर देता हूँ मिस्टर शुभम होंगे तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट और बेटा और कोई डाउट है क्या मेरे दूसरे नंबर पे भेज दो हाँ सिर वाला हाँ सिर विलम वाला उसको भेजो अगर मिस्टर शुभम होंगे तो प्लीज़ टेलीग्राम का भी लिंक डाल दीजिए फर्स्ट टाइम भी इसका लिंक डाल दीजिए पिन है ऊपर में पिन है बेटा ऊपर में पिन है थोड़ी देर बाद बेटा वो ओपन हो जाता है कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्टली उस किसी लिंक को टच करते हैं तो वो ओपन नहीं होता थोड़ी देर बाद लिंक ओपन हो जाता है अगर कोई दिक्कत होगी तो हम फिर से एक नया लिंक बना करके यहां पर डाल देंगे डोंट वरी ओके okay? yes. लिंक काम कर रहा है बेटा मैंने अभी अभी चेक किया लिंक काम कर रहा है ना लिंक काम कर रहा है मैं आप सभी लोगों के लिए लिंक डाल रहा हूं हो सकता है कि किसी लिंक को हम टच करते हैं तो शुरू में ना एकदम से वो नहीं आ पाता ओके okay? तो ये मैंने लिंक डाल दिया है ना अच्छा आई थिंक सेरी विलम अकेडमी का लिंक फिर से आप लोगों के लिए आ गया बेटा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए फाइन सो थैंक यू वेरी मच एनी डाउट बेटा प्लीज आस्क इसका सेकेंड पार्ट भी हम आप लोगों के लिए करेंगे बहुत जल्दी फाइन और सिर्फ दो सेशन में सिर्फ दो सेशन में पूरे अपर लिम के मसल्स आप लोगों के लिए कंप्लीट यस थैंक यू थैंक यू गॉड ब्लेस यू पार्थ स सो हियर मिस्टर शुभम शेयर यू द टेलीग्राम ग्रुप लिंक ऑल्सो प्लीज ज्वाइन यस बेटा असानी एस बी ट्वेंटी नाइन फीलिंग लाइक एम बी बी एस इज न्यू बैच मैन न्यू बी टेक मैन यस आप बिलकुल सही बोल रहे हो खूब सारे नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं तो इसमें काफी ज्यादा सेचुएशन आएगा लेकिन आपको अपनी पहचान बनानी है डेफिनेटली जिसके पास नॉलेज होगा जिसके पास ज्यादा स्किल होंगे वो आगे निकलेगा सोसाइटी की जरूरत भी है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देने की लेकिन हमारे हाथ में क्या है हमारे हाथ में ये सब चीज़ चीज़ें सोचना नहीं है हमारे हाथ में कुछ चीज़ है तो वो पढ़ाई लिखाई तो बेटा जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है जिसमें हम खुद को बेटर बना सकते हैं अपनी एनर्जी हम उधर देंगे ओके हम पढ़ेंगे मेहनत करेंगे खुद के स्किल्स बढ़ाएंगे खुद का नॉलेज बढ़ाएंगे और हम खुद को एक अलग लेवल पे लेकर के जाएंगे इधर हम एनर्जी लगाएंगे ओके यस हीना थैंक यू सो मच सर थ्री डी इज सो मच बेटर देन टू डी बुक्स बिल्कुल बेटर थ्री डी से ना आपको एक ओरिएंटेशन मिलता है लेकिन याद रखो बच्चों कि टू डी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते पेपर पेन की टीचिंग को चॉकबोर्ड बोर्ड की लर्निंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उनसे हमारा बेस मिलता है 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 ये जो 3D है, वो एक एडिंग मिर्च मसाला जिससे आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगती है और ओरिएंटेशन क्लियर होता है लेकिन पहला स्टेप पहला कदम तो जो हमारा है वो हमारी किताबें भी हैं किताबें जो ठीक है टू हैं है लेकिन उसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते थ्री है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमें बहुत परफेक्ट नॉलेज मिलता है इससे ओरिएंटेशन मिलता है आप हर एक चीज को वेंट्रिकल्स को ब्रेन को हर चीज को बहुत प्यारे तरीके से समझ सकते हैं ओके यस यस सुगीत आई एम लुकिंग कि आपकी तरफ से आपके कॉलेज से आपके बैच से कितने बच्चे आ रहे हैं ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं उनकी डिमांड बनेगी तो बिल्कुल हम हेडनेक का भी पोषण करेंगे हर ग्रुप से बेटा हर जगह से हर कॉलेज से इंडिया के एक एक कोने से बच्चे एकेडमी में आने चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में आने चाहिए और यह सेशन जिंदा रहेगा याद रखो बच्चों सिर्फ हंगामा खड़ा करना सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए हमारे सीने में नहीं तुम्हारे सीने में ही सही कहीं भी हो आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए ये आग जलनी चाहिए ये आग जलनी चाहिए तो आग लगनी चाहिए हिंदुस्तान के एक एक कोने में हिंदुस्तान के एक एक मेडिकल कॉलेज में हिंदुस्तान के मेडिकल के एक एक हॉस्टल में एनाटॉमी को पढ़ने का जिद जुनून और इसके साथ एक पागलपन सवार होना चाहिए डॉक्टर श्रीकांत वर्मा के साथ सेरिबलम अकेडमी के साथ तो जुड़े रहिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ये डिमांड बनाए रखिए मुझको फॉलो करें डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस इंस्टा ग्रुप पर यूट्यूब चैनल पर शेरीवलम एकेडमी को फॉलो करें और यहां पर मुझसे आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं शेरीविलम एकेडमी के इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी हूं मेरा पर्सनल नंबर है आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं डाउट्स और इसके साथ में आप मुझे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं hmm. रात को नौ बजे दस बजे के बाद बच्चे से बात करता हूं तो कोई भी डाउट हो बेटा बिल्कुल कनेक्टेड रहो मिल करके पढ़ते हैं मजे से लेकर पढ़ते ओके सो थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल नया वी विल डू सो थैंक यू वेरी मच आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट मिस्टर शुभम थैंक यू फॉर कॉपरेटिंग हमारी जो टेक्निकल टीम है उनका बैक सपोर्ट बना रहता है तो इस कारण से हम सभी टीचर बहुत प्रॉपरली क्लासेस ले सकते हैं थैंक यू वेरी मच टू अवर टेक्निकल टीम थैंक यू प्लीज क्लोज द सेशन थैंक यू बाय द बच्चो ओके वी विल मीट सुन ओके ठीक है लव यू थ्री थाउजेंड फिर से मिलेंगे बेटा थैंक यू एवरीबडी और कोई भी डाउट हो आप कनेक्ट कर सकते ओके थैंक यू